Assalamu alaikum, viewers. Look, Sabar, mood is very off. Why, Sabar? Sabar ka mood kyun off hai? Tell me. Hello, Ata. Assalamu alaikum. Ata, assalamu alaikum. Ata store mein bhagi hai. So, guys, today is our full. क्यान कौन सा डे आज वर्क डे और क्यान माशाल्लाह मेरे साथ बहुत हेल्प करवाते हैं सबार भी बहुत करवाते हैं जैसे कि बच्चों की हो गई हैं छुट्टियां क्या हो गई हैं छुट्टियां दिखाएं जो आप अमरूद खा रहे हैं जी ये अमरूद खाया जा रहा है एंड आई विल शो यू द ट्री फ्रॉम विच ट्री ये तोड़ के लाए हैं ये वो दरख्त है जी ये वो दरख्त है जिधर से ये अमरूद तोड़ तोड़ के खाते हैं क्या ऊपर नहीं चढ़े ये हमारी नीचे गली में ही है ये है तो हमसायों का दरख्त बट ये यहाँ से अमरूद तोड़ते हैं और ये मज़े मज़े से खाते हैं सो मैंने मशीन भी लगाई हुई है सबार मशीन पॉज हो गई थी तो चले मैंने मशीन चला दी है तो आज हमने करना है क्या अता आज हमने क्या करना है वर्क आर यू रेडी गाइस ओके आज मामा की हेल्प कौन कौन करवाएगा और कौन करवाएगा अता भी करवाएगी मामा की हेल्प अता कह रही है नो अता मेरी हेल्प करवाओगे हाँ ओके ओके आराम से गिर ना जाना हेलो 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 अत्ता अभी देखना ये क्या करेगी ये एक दफ़ा जहाँ से इसने अपने ऊपर फेंका और ये भूत बन गई ये अता भूत बन गई अता भूत बन गई अता भूत बन गई अता अभी इसको करेंगे हम चा चलो ओके बेटा कम टू किचन हम काम करते हैं और मेरे बच्चे माशाल्लाह मेरी हेल्प भी करवाते होते हैं मेरी क्योंकि मेड जो हैं वो उनकी बेटी की शादी थी तो वो जो है फुल टाइम सबार छुट्टियां कर रही हैं ना वो सबार आपका मूड क्यों ऑफ है ये भी व्यूअर्स को बताएं जल्दी से बताएं ओके मैं बता देती हूँ ये नहीं बता रहे क्योंकि इनके बाबा जा रहे हैं एक पार्टी में और वो गेट टुगेदर फ्रेंड्स की है वहाँ पे बारबेक्यू वगैरह है तो जाहिर सी बात है जो लड़कों की अपनी एक मर्दों की कंपनी होती है तो ही वांट्स टू गो देयर बट आई से नो आप छोटे हो वो बड़ों की गैदरिंग है तो दैट्स वे इसका मूड ऑफ है ओके बच्चे कम टू किचन मैं आपको पहले अपना मेसी किचन दिखाती हूँ क्योंकि हम लोगों का जो ऊपर वाला किचन है ना बहुत ज़्यादा मैसी हुआ हुआ था और मैं ये इंतज़ार कर रही थी कि बच्चों की छुट्टियां होंगी तो मैं जो है काम करूँगी ओके नाउ वी आर गोइंग टू द किचन ओह माय गॉड फुल मैसी किचन मैं ये आपको पता क्यों दिखा रही हूँ ताकि जब ये सारे का सारा हम नीट एंड क्लीन करेंगे सो देन हम ये थोड़ी सी फॉरवर्ड में करके वीडियो चलाएंगे नीट एंड क्लीन की क्योंकि हम लोगों ने ये ऊपर सारे कैबिनेट्स भी क्लीन करने हैं अंदर से हमने खानों को भी ये सबको बिल्कुल साफ़ कर देना है ऊपर से ये हमने सारी चीज़ें उठा कर यहाँ से सारा सफाया कर देना सब ऑल द थिंग्स जो हैं हम सारी चीज़ें उठाते जाएंगे और हमने सारी सफाई करनी है और फिर क्यान ने मेरी एंड सबार ने मेरी हेल्प भी करवानी है ना क्यान करवाओगे ना मामा की हेल्प यूर अ गुड बॉय ओके देन जस्ट लेट्स स्टार्ट ओके सो तो हमने ओपन किया है और बच्चे हमने ओपन करके फुल बैठेंगे हमें सारी सफाई करनी है सारी तो फिर दो नो चलो देखिए कैसे करते हैं ये सारी चीजें करोगे उसको सारी चीजों को हटाओ जैसे हम ये वाला कॉर्नर है इसको देखेंगे और फिर हम क्या देंगे अच्छा बना देंगे ओके ओके ठीक है ठीक है ऐसे करते हैं ताकि बना जाए ओके ठीक है चलो देखिए ना चलो हम ये कुछ चीजें देंगे तो ये जो है ना वो तो क्या है वो क्या चल रहा है ये क्या बन रहा है ये आज मैं पहन के ये मैं यहां साइन करती हूं सब कुछ उठाओ
वेलकम बैक। सो हमने देखें जी सारी किचन की सफाई कर ली। आज पूरा किचन हमने आज चमकाया है। ये देखें जी ऊपर से सारे हमने कैबिनेट्स जो हैं ये मैंने स्टूल पे चढ़ के सब चमकाए हैं, इनके हैंडल्स चमकाए हैं, ये सारी टाइल्स जो हैं ये चमकी हैं, ये देखें सारी चमक गई हैं। ये सारा हमने सब कुछ उठा के ये हमने शेल्फ साफ़ किए हैं, ठीक है। ये चूल्हे के नीचे भी बिछाई हुई थी वो मैंने आज निकाल दी हैं। और ये देखें जी ये हमने सारा खिड़की भी चमकाई है, सब कुछ चमका दिया। इसका हमने पर्दा हटा दिया है, वो पर्दा वॉश हो के लगेगा अब दोबारा से। तो हमने सब कुछ चमका दिया है। ये हमने नीचे वाली सारी वॉल्स जो हैं ये, क्योंकि ये भी नीचे वाले कैबिनेट्स जो हैं ये चमके हैं, इनको अच्छे से साफ़ किए हैं, इनके हैंडल्स चमकाए हैं, ठीक है। और ये भी नीचे सारी ऑयल पेंटिंग हुई हुई थी, ये वाली सारी दीवार चमकी है। और इस वाले खाने को तो हमने टच नहीं किया और क्योंकि ये सेट ही था। और ये जी हमने ओवन के ऊपर जो चीज़ें थी ये बच्चों की बॉटल्स वगैरह और ये चीज़ें, ये हमने सारा ओवन आज चमकाया है। और ये देखें जी सारा खाना जो है ये चमक गया है। किचन फुली फुली क्लीन, नीट एंड क्लीन हो चुका है। हमने पूरा किचन साफ़ कर लिया है, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला किचन है, नीचे जो है वो तो इससे डबल ट्रिपल है। तो ये देखें जी ये अल्लाह के नाम है ये लगाए हुए। और ये हमने पूरा किचन जो है ये हमारे किचन की आज नीट लुक आपको दिखाते हैं। ये हमारे किचन की नीट लुक है जो आज हमने ये पूरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो आपको अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन। और आज तो बहुत जी हम थक गए हैं, तो बस अब हम बनाएंगे खाना और भूख भी शदीद लग रही है और अब हम खाएंगे खाना। तो बच्चों ने भी हेल्प करवाई है, बट बस जितनी बच्चों से हो सकती है बच्चे करवाते हैं। बाकी ये है कि जो काम बड़े सही से कर सकते हैं, तो बच्चों ने भी हेल्प करवाई है माशाल्लाह से। और मैंने भी लग के हमने आज किचन नीट एंड क्लीन किया है। सो जी बच्चों की जहाँ तक बात हो रही है तो बच्चों से बच्चे हेल्प आउट करते हैं, छोटे मोटे काम बच्चे करवाते हैं। और ये जो साहब हैं इन्होंने कुछ नहीं करवाया, ये जो हैं ज़रा हमारे जो हैं नवाब बच्चे हैं, ये कमरे में भाग गए थे कार्टून्स देख रहे थे। और क्यान ने हेल्प करवाई है मेरी, और अता जो है वो तंग करती रही हैं बट हमने काम किया है। तो बच्चों को आदत डालनी चाहिए छोटे मोटे काम करवाने की, तो ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़े से, जैसे मामा बीमार हो जाती हैं या अगर मामा की तबीयत ठीक नहीं होती तो थोड़ा बहुत बच्चे भी थोड़ा सा डिपेंडेंट ना हो सिर्फ मदर्स पे। बिल्कुल मदर्स पे डिपेंडेंट जो बच्चे होते हैं फिर वो पानी का ग्लास भी उठा के नहीं पीते। तो इस वीडियो में ये सबक भी हासिल सब करें कि बच्चे जो हैं वो मामा की अपनी हेल्प करवाया करें और जो हैं जो आप नहीं करते हैं ना। मेरी मम्मा की तबीयत खराब हुई थी तब आपको पता है एक दफा मैंने अपना दूध भी उबाला था। दूध भी उबाला था।
मैंने ब्राउनीज भी बनाए थे, मम्मा ने सिखाए। ब्राउनीज भी बनाए थे। और गाइस आप देख सकते हैं हमारी किचन का इतना प्यारा इंटीरियर हो गया धोने के बाद, धोने के बाद जो सारा सबार ने किया है ना। हाँ। चलिए जी, थैंक यू। वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट प्रेस द बेल आइकॉन बटन। ओके, अल्लाह हाफिज़।